मुंबई के डोंगरी में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत, 15 परिवार अभी भी दबे। 100 साल पुरानी इमारत को लेकर बीएमसी ने जारी किया था अलर्ट, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। भारी बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में बाढ़ के हालात, बिहार और पूर्वोत्तर में बाढ़ से करीब 70 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 49 की मौत, 90% तक डूबा काजीरंगा नेशनल पार्क। कर्नाटक में बागी विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा। कर्नाटक विधानसभा में विश्वास मत पर गुरुवार को वोटिंग, कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने बहुमत साबित करने का दावा किया। येदुरप्पा बोले, अगले 4-5 दिन में बीजेपी सरकार बनाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ को भंग करने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, बीजेपी छात्रों की आवाज से डरती है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला, बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के बाद किया था बंद। और वर्ल्ड कप में हार के बाद बीसीसीआई कोचिंग स्टाफ बदलने की तैयारी में, प्रमुख पदों पर आवेदन मांगा।